यस पीपल डन विथ लोगों का ब्रेक हो गया ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है तो हमारा एक डाउट था जो हमने ब्रेक से पहले आपके लिए रखा था तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि भाई टैक्स रेट क्या है जनरल टैक्स रेट आज पढ़ रहे हैं और जनरल टैक्स रेट में हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल ओ आर्टिफिशियल जोरिडिकल पर्सन के केस में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो अप टू बेसिक एक्समशन टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नो टैक्स टूटी टू फाइव लैख परसेंट फाइव लैख टू टेन लाखेंट मोर देखी परसेंट सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो चुका दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन टू थ्री लैख कोई भी टैक्स नहीं थ्री लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज और मोर इन प्रीवियस ईयर अप टू फाइव लैख कोई भी टैक्स नहीं फाइव लैख टू टेन लाख ट्वेंटी क्वेश्चन था बाबू जी का बाबू जी एक बंदा है बाबू जी एक बंदे बाबू जी का जन्म हुआ था अप्रैल को उस टाइम पे जन्म हुआ था और अपना ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट अप्रैल दो हजार तेवीस को क्वेश्चन साठ साल कब कंप्लीट हुए माने जाएंगे जिस दिन आप केक काट रहे हो उस दिन या उसके पिछले दिन अगर पिछले दिन माने जाएंगे तो तो भैया इस साल में ये बंदे को तीन लाख का बेसिक एग्जामेशन मिलेगा लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं नहीं फर्स्ट अप्रैल 2023 को माने जाएंगे तो तो इस साल में फिर टू लैक का ही बेसिक मिलेगा तो कब माने जाएंगे एक बात बताओ ये जो मामला है ना ये सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नहीं कि नहीं फर्स्ट अप्रैल को माना जाएगा क्योंकि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उस दिन आपका पर्टिकुलर एज कंप्लीट माना जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पूछी कि आप मुझे एक बात बताओ कोई भी पीरियड अगर चालू होता है किसी डेट से तो वो पीरियड कंप्लीट कब माना जाता है क्या उसी दिन माना जाता है अगले साल का या उसके पहले वाले दिन जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक बात बताओ आपको काउंट करना है वन ईयर का पीरियड और आपका पीरियड मान लो वन ईयर का पीरियड काउंट करना है और वो सेवेंटीन जुलाई टू से कोई चीज चालू हुई है आपको एक साल का पीरियड काउंट करना है तो एक साल का पीरियड कंप्लीट कब माना जाएगा अगले साल के 17 जुलाई को माना जाएगा या 16 जुलाई को माना जाएगा राइट आंसर 16 जुलाई 2023 को माना जाएगा भाई एक बात बताओ वन ईयर का पीरियड कब कंप्लीट माना जाएगा उसके एक दिन पहले ना क्योंकि 17 जुलाई 2022 से लेके अगर वन ईयर काउंट करना है तो आप वन ईयर कब काउंट करोगे 16 जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा ईयर उसके बाद फिर 17 जुलाई 2023 से दूसरा साल चालू होगा तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को एनालाइज करते हुए अपना एक जजमेंट दिया था और जजमेंट दिया कि ये बंदा अपना सिक्सटी बर्थडे इस दिन सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन उसका 60 इयर्स का एज है ना वो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2023 को उसका जो 60 इयर्स का एज है वो 60 इयर्स का एज कंप्लीट हो गया और जब इस डेट को कंप्लीट हुआ इसका मतलब इस साल में इसको हायर बेसिक एग्जामिशन थ्री लेख का बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगा तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला और उसके बाद हमारा जो सीबीडीटी है जो डीटी डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है उन्होंने भी फिर एक क्लेरिफिकेशन दिया और इन्होंने बोला कि इस साल में इसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मान लिया जाएगा मीनस हायर बेसिक एक्जामिशन का बेनिफिट इसको मिल जाएगा थ्री लैख का बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगा तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है

जब लास्ट डेट को हो गए तो इसका मतलब इसको हायर बेसिक एग्जंपशन का बेनिफिट मिल जाएगा करके ठीक है हायर बेसिक एग्जंपशन का बेनिफिट है वो इसको इस साल में मिल जाएगा तो आप एक काम करेंगे जैसे मैं लिखता हूं वैसे आप यहां पे लिखेंगे करके ठीक है लिखिए अगर किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ मींस जो जन्म हुआ था वो अगर फर्स्ट अप्रैल 1963 को हुआ था तो अपने इस साल में उसको बेसिक एग्जामिशन कितना मिलेगा तो बेसिक एग्जामिशन और प्रीवियस ईयर 22, 23 या मैं बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है 23, चौबीस असेसमेंट ईयर 23, चौबीस देख के लिखना जो मैं लिख रहा हूं वो हां असेसमेंट ईयर तेबिस चौबीस में टैक्स भरेंगे तो भैया इस साल जब टैक्स भरेंगे तो उसको बेसिक एग्जामिशन कितना मिलेगा प्रीवियस ईयर बाईस तेईस में तो मैं बोलू यहां पे इस साल में उसको बेसिक एग्जामिशन है वो थ्री लैख ,00 मिलेगा मींस ही हैज कंप्लीटेड एज ऑफ सिक्सटी इयर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 और अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है हाँ जिसका बर्थडे भाई ये फर्स्ट अप्रैल को है उसी के लिए है ठीक है बाकी सबके लिए नहीं है बाकी तो नॉर्मली तो ऐसे भी आप समझ जाओगे ये सिर्फ उसी दिन का एक दिक्कत था इसके लिए अगर किसी का बर्थ फर्स्ट अप्रैल 1943 में हुआ था 1943 में तो इस साल के लिए उसका बेसिक एग्जामिशन रहेगा फाइव लैख फाइव लैख बिकॉज हम मानेंगे ही हैज कंप्लीटेड एज ऑफ एटी ईयर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार ही हैज कंप्लीटेड एटी ईयर्स ऑफ एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार ऐसा आप लिख लीजिए ठीक है, हो जाए तो बोलिए डन हो जाए तो बोलिए डन हो जाए तो बोलिए डन रुको रुको परिक दर्शन परिक रुक जाइए डन चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है एक कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए कुछ लिखना मत सरचार्ज अब आप बोलेंगे सरचार्ज क्या आपको बला है सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स एक बात बताइए इनकम टैक्स है, है ना वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है गुप्ता जी हर्षवर्धन जी इधर देखिए प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो जैसे यहां पे देखिए इनकम में कैसे प्रोग्रेसिव हो रहा है ढाई लाख तक की इनकम पे कम कोई टैक्स नहीं है ढाई लाख से पांच लाख पांच परसेंट पांच लाख से दस लाख बीस परसेंट दस लाख से ऊपर वाले पे तीस परसेंट अब एक बात समझना एक कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज करके सरचार्ज अब ये सरचार्ज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है अरे भैया सरचार्ज अभी तक बोलता लिख के नहीं हुआ सर हाँ, अब एक बात समझना सरचार्ज का मतलब क्या होता है कि जो लोग ज्यादा रिच है ना जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं अगर ये ठीक है हम तो गरीब है बट मान लो जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं ना उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा उसके साथ में हम एक्स्ट्रा टैक्स और लगाएंगे सरचार्ज लगाएंगे मीन एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे अब आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा टैक्स किसको लगता है एक्स्ट्रा सरचार्ज किसको लगता है तो देखिए जो इंडिविजुअल एच आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में जो मैंने बात की इसमें आपको 10 परसेंट की रेट से 10 परसेंट ऑफ द टैक्स मतलब जो टैक्स है जो टैक्स आएगा उस पर टेन परसेंट और लगेगा टैक्स इफ टोटल इनकम जो टोटल इनकम है ना टोटल इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम ये नेट टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम किसको बोलते हैं पता है कल मैंने आपको बताया था कि वो पांच हेड की जो इनकम होती है उसको बोला जाता है टोटल इनकम और इस टोटल इनकम में से अपन डिडक्शन लेस कर देते हैं दिस इज कॉल योर टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम ये वाली इनकम जो है अगर वो पचास लाख रुपए से ज्यादा है ये वाली जो इनकम है ये नेट टैक्सेबल इनकम आपका मोर देन फिफ्टी लैक्स है मोर देन फिफ्टी लैक्स है बट अप टू वन करोड़ रुपीज है तो उस केस में बेटा आपको जो है वो सरचार्ज लगेगा कौन सी रेट से पता है टेन परसेंट टैक्स का मतलब टैक्स जो आया वो टैक्स तो भरना ही है टैक्स पे आपको दस परसेंट और भरना पड़ेगा जैसे टैक्स आया मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपका टैक्स आया एन एग्जाम्पल आपका टैक्स आया ट्वेंटी लाख रुपीज तो ट्वेंटी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा जो कमा रहे हो पचास लाख से ज्यादा कमा रहे हो टू वन करोड़ है तो उस केस में सरचार्ज लगेगा टेन परसेंट की रेट से लेकिन मान लो अगर आप एक करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हो तो मेकर्स तो बोलते हैं कि आपका 15% परसेंट सरचार्ज लगेगा अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम एक करोड़ से ज्यादा है और बेटा दो करोड़ रुपए तक है तो अगर आप इतने रिच हो कि आप साल में कितना कमा रहे हो पता है आप एक करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो बट टू दो करोड़ तक कमा रहे हैं तो उस केस में सरचार्ज लगेगा पंद्रह परसेंट मींस जो भी टैक्स आएगा उसमें और ऐड कर दीजिए पंद्रह परसेंट उसके साथ में अगर आप दो करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 25% परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा मैं 25 फाइव परसेंट सरचार्ज लगेगा और 25% फाइव परसेंट सरचार्ज लगेगा अगर आप दो करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं बट टू पांच करोड़ कमा रहे हैं साल में लेकिन मान लो आप तो पांच करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं आप अगर पांच करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं ना तो उस केस में आपको सैतीस परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा मीन्स थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम जो है वो पांच करोड़ से ज्यादा है तो अगर आपकी इनकम पांच करोड़ से ज्यादा है तो उसमें आपको सैतीस परसेंट सरचार्ज लगेगा तो देखिए बड़ा सिंपल है पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये वाली स्लैब रेट से इससे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी टैक्स आएगा ना उस टैक्स पे आपको एड और करना है टैक्स पे और एड करना है टैक्स पे एड करना है, करना है. है. लेकिन कब एड करना है आपको देखना है टोटल इनकम अगर टोटल तो तो इनकम आपका 50 लाख से ज्यादा है अप टू वन करोड़ है 50 लाख से ज्यादा है अप टू वन करोड़ है तो आप 10 परसेंट सरचार्ज लीजिए वन करोड़ से ज्यादा है अप टू करोड़ है तो आप फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज लीजिए अगर टू करोड़ से ज्यादा है अप टू फाइव करोड़ है तो आप ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज लीजिए और अगर फाइव करोड़ से भी ज्यादा है तो आप थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लीजिए तो यहां पर सरचार्ज कब लगता है जब आपकी टोटल इनकम कुल मिला के पचास लाख से ज्यादा है पचास लाख से ज्यादा है मोर देन फिफ्टी लैख टू वन करोड़ है तो टेन परसेंट सरचार्ज लीजिए वन करोड़ से ज्यादा है अप टू करोड़ है तो फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज लीजिए टू करोड़ से ज्यादा है अप टू करोड़ है तो आप ट्वेंटी और अगर फाइव करोड़ से भी ज्यादा है 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 तो आपको क्या करना सरचार्ज लेना है। एक बात बताओ बड़ा मतलब ज्यादा सरचार्ज देना आप देखोगे जो बंदा बेचारा पांच करोड़ से ज्यादा कमा रहा है वो कितना टैक्स भर रहा होगा पता है नॉर्मल टैक्स रेट तीस परसेंट तो होता ही है क्योंकि अगर आप देखोगे दस लाख के ऊपर वाली इनकम पे तो तीस परसेंट टैक्स लग रहा था तो तीस परसेंट तो टैक्स आ गया उसके ऊपर सैतीस परसेंट सरचार्ज तो अप्रोक्स फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट गया ठीक है जो पांच करोड़ से ज्यादा कमाएगा अगर के ठीक है उस पे तो परसेंट चला जाएगा क्योंकि तीस परसेंट नॉर्मल सैंतीस परसेंट सरचार्ज है उतना लगेगा और एक और बाबू बता दो इसके साथ साथ में ये सरचार्ज तो लेना ही है सरचार्ज के साथ साथ में आपको हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और एड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट यह सबको लगेगा फोर परसेंट सबको लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज ऑन टैक्स मींस जो भी तुम्हारा टैक्स आया टैक्स मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज इंक्लूडिंग सरचार्ज तो सरचार्ज को इंक्लूड करने के बाद जो टैक्स आएगा ना उसमें चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा तो चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अब आप मुझे बोलोगे कि एक बात बताओ सर इनकम टैक्स है सरचार्ज है फिर ये सेस क्यों है देखो सेस जो होता है ना हमेशा सेस किस लिए लगाया जाता है ये स्पेसिफिक के लिए लगाया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इनकम टैक्स का जो पैसा जाएगा ये टैक्स का जो पैसा जाता है सरचार्ज का जो पैसा जाता है वो कहीं भी यूज कर सकते हैं उनकी मर्जी है वहां यूज कर सकते हैं उनको लगता है वहां यूज कर सकते हैं लेकिन जो सेस का पैसा होता है ना वो स्पेसिफिक परपज के लिए यूज करना पड़ता है यहां लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके ठीक है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब ये वाला पैसा सिर्फ हेल्थ पे यूज करेंगे और एजुकेशन पे यूज करेंगे तो ये जो सेस लिया जा रहा है वो सेस किस पे यूज होगा हेल्थ पे यूज होगा और एजुकेशन पे यूज होगा तो सेस का यूज स्पेसिफिक होता है बट जो टैक्स का पैसा है करके टैक्स का जो पैसा है सरचार्ज का पैसा है वो गवर्नमेंट जहां चाहे वहां पर यूज कर सकती है Miss, आप जो इनकम टैक्स पे करते हो इनकम टैक्स का पैसा गवर्नमेंट चाहे डिफेंस में यूज कर सकती है गवर्नमेंट चाहे एजुकेशन में यूज कर सकती है गवर्नमेंट चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकती है लेकिन मैं बताओ जो सेस का पैसा है ना वो सेस का पैसा स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करना पड़ता है तो ये जो पैसा चार परसेंट जो लेती है गवर्नमेंट ये सिर्फ एंड सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में यूज होगा और कहीं यूज नहीं कर सकती गवर्नमेंट और कहीं यूज नहीं कर सकती सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन में ही यूज करना पड़ेगा आपको पता है कुछ सालों पहले मतलब जीएसटी से पहले कृषि कल्याण सेस आया था कृषि कृषि कल्याण सेस वो कृषि कल्याण सेट कि कृषि को इंप्रूव करने के लिए, कि उसको के लिए यूज होता है बट बाकी जो टैक्स है सरचार्ज है वो गवर्नमेंट जहां चाहे जैसे यूज कर सकती है अब एक और चीज समझना इसके बाद मैं एक नोट लिख रहा हूं आपका और उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे जिसमें हम बहुत सारे लोगों का टैक्स कैलकुलेट करेंगे एक नोट लिख रहा हूं यहां पे एक चीज ध्यान रखना हमेशा जो भी आपकी टोटल इनकम होती है ना टोटल इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं एनटीआई तो जो टोटल इनकम होती है जिसको मैं यहां पे एनटीआई बोल रहा हूं तो जो भी तुम्हारी टोटल इनकम होती है नेट टैक्सेबल इनकम होती है एंड बेटा आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा टैक्स लाइबिलिटी ये ऑलवेज आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा राउंडेड ऑफ इन द दियरेस्ट रूपीज ऑफ टेन नियरस्ट रुपीज ऑफ टेन मीन्स आपको टेन में राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा ये हमेशा ध्यान रखना इधर देखो एक बार कि जो भी आपका टैक्स का अमाउंट आएगा और नेट टैक्सेबल इनकम आएगी उसको आपको पहले राउंडेड ऑफ करना है इन द नियरेस्ट रूपीज ऑफ टेन जैसे कैसे जैसे मैं एग्जाम्पल ले लू कि मान लो आपका छब्बीस हजार तीन सौ बत्तीस रुपए आया तो इसको आप कैसे राउंडेड अपे छब्बीस हजार तीन सौ तीस रुपए में मिन्स आप लोअर में आ जाओगे वन टू थ्री फोर है तो आप लोअर वाले दस में आओगे और अगर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है तो आप अपर वाले दस में जाओगे ठीक है अब एक बात समझना छब्बीस हजार तीन सौ पैंतीस होता तो आप क्या करते छब्बीस हजार तीन सौ चालीस ले लेते अगर आपका छब्बीस हजार तीन सौ सैंतीस है तो आप क्या लेंगे छब्बीस हजार 340 है वो आप ले लेंगे ऐसे आपको राउंडेड ऑफ करना है तो चलिए आप एक काम करिए इस पार्ट को कॉपी करिए जो मैंने यहां पे दे रखा है इसको कॉपी करिए फटाफट कॉपी करिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते है। फिर करते हैं 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 फिर टैक्स निकालना सीखते टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है जो टैक्स आएगा जो अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम में पांच हेड की टोटल इनकम माइनस डिडक्शन दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी जो अभी अपन सीखेंगे वो हमेशा आपको दस रुपए में राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट रूपीज ऑफ द में चलिए कॉपी करिए ये बहुत सारे खजूर लोग क्या करते हैं है पता है तुमको तो मैं जब लिखता हूं ना ये साथ साथ में लिख लेते हैं और साथ साथ में लिख लेते हैं और अब आके क्या बोलते हैं पता है अब आके बोलते हैं डन डन, डन हमारा हो गया करके ये ये खजूर बच्चे, खजूर बच्चे बच्चे बिल्कुल नहीं मानते ये मेरा कहना अपने घर वालों का भी नहीं मानते मम्मी का कहना नहीं मानते मेरा भी कहना नहीं मानते पाप लगता है पता है ऐसे है नहीं मानते हैं जो प्रोफेसर का वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेन्स हमेशा लगेगा हमेशा चार परसेंट लगेगा ही लगेगा लिखो बाबूजी वाला पार्ट दिखाओ बाबूजी जी नहीं पहले तो ये लिखने दो बच्चों को अरे तुम्हारे पास ये रोज आएगा डोंट वरी राउंडेड ऑफ क्यों करते हैं क्योंकि लाइक राउंडेड ऑफ क्यों करते हैं है? लॉ में लिखा है है कि आपको राउंडेड ऑफ करना है दस रुपए में गवर्नमेंट बोलती है छोड़ो यार आपको कहां पॉइंट फ्रैक्शन में वगैरह लेना है राउंडेड ऑफ इन द दोलता है दुबई से आए हो तो आप खजूर बोलोगे अरे नहीं मैं खजूर पहले से बोलता हूं दुबई में लोग ऐसे हबीबी बोलते हैं हबीबी हाय कैसे हो हबीबी ऐसा हबीबी मीन्स योर नियर लाइक डियरेस्ट पर्सन ना आई थिंक चलिए कलयुग में पाप नहीं लगता सर कलयुग में पाप नहीं लगता लगता है भैया कलियुग में पाप किसने बोला चलिए डन डन पीपल डन बोलो डन चलिए वेट सर वेट प्रीत बोल रहा है वेट हां सरचार्ज नहीं लग रहा है तो भी सेस तो लगे गए लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा लगेगा सरचार्ज दो ना लो उससे क्या फर्क पड़ता है सेस लगेगा सरचार्ज कब लगेगा जब आपका टोटल इनकम पचास लाख से ज्यादा है चलिए अपन अब कुछ करते हैं एग्जाम्पल स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ अपनी भैया सेस की स्पेलिंग एस सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सीई एस एस यस यू आर विजिबल जो बोल रहा है मुझे सब दिखाई दे रहा है तुम नहाए नहीं हो आज करके. ठीक है नहा बैठा करो मुझे सब दिखाई दे रहा है बाल में एकदम वैसे वो क्या कचरा डाला हुआ है एकदम ऐसे बैठ जाते हो सुबह बिना नहाए नहा के बैठने का सुबह ठीक है चलिए किसी ने बोला बिजनेस ही मैंने थर्टी फर्स्ट मार्च को चालू किया तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा वही थर्टी फर्स्ट मार्च को चालू होगा थर्टी फर्स्ट मार्च को कंप्लीट होगा वो प्रीवियस ईयर फिर अगला साल असेसमेंट ईयर एक दिन का इनकम आएगा बस चलिए सर एक दिन का यहाँ तो ठंड पड़ती है ठंड में क्या करने का पता है तुमको तो एक ठंडा पानी लेने का और भाई साहब दो चार बूंद गिरा लेने का अपने पे क्या फील आता है ना भाई अमेजिंग चलिए कैसे फील आता है क्या आता है बाद में बताता हूं चलिए आप लिखिए पहले एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन लिखिए जैसा मैं बोलता हूं टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी एज थर्टी टू ईयर्स एज थर्टी टू ईयर्स इज रुप फिफ्टीन लैक्स सिक्सटी थाउजेंड इज रुपेज फिफ्टीन लैक्स सिक्सटी थाउजेंड कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी calculate tax liability for assessment year 23 24 means previous year 22 days total income of mr bb bolte hai 100 crore hai bhagwan 100 करोड़ तो नंबर ही लिखना नहीं आता मुझे यहाँ पे करके ठीक है

तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए बेसिक एग्जाम का बेनिफिट मिलेगा आंसर यस अपटू टू लैख्टी थाउजेंड साथ में लिखिए डैश पे डैश कोई भी टैक्स नहीं आएगा अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कोई भी टैक्स नहीं आएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके एंड अप अपटू फाइव लैख तक की इनकम पे फाइव परसेंट टैक्स आएगा बारह हजार पांच सौ हो जाएगा ये बारह हजार पांच सौ कैसे आया देखो पांच लाख में से आप ढाई लाख को लेस कर दीजिए ढाई लाख बचा उस पर फाइव परसेंट करिए बारह हजार पांच सौ बच गया बारह हजार पांच सौ आया उसके बाद में फाइव लैख से लेके और अपू टेन लैख तक की जो इनकम रहेगी उसपे आपका ट्वेंटी परसेंट टैक्स आएगा अब एक बात समझिए आपका यहां टेन लैख लेक से लेके और फाइव लैख का डिफरेंस कितना है फाइव लैख है फाइव लैख पे आप ट्वेंटी परसेंट लेंगे तो कितना आएगा वन लैख आएगा तो वन लैख ले लीजिए यहां पे उसके बाद जो टेन लैख से ज्यादा वाला इनकम जो है वहां से लेके और पंद्रह लाख साठ हजार तक की इनकम तो आपका कितना हुआ फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड हुआ उस पर आप थर्टी परसेंट लीजिए तो दस लाख से ऊपर और पंद्रह लाख साठ हजार लाख साठ हजार तो पांच लाख साठ हजार इट्स टू दिन लाख सिक्सेंड आएगा 1, 68, आया. अब इसकी टोटल कर दीजिए आपके टैक्स की तो आपकी टैक्स की टोटल आई दैट इज आपका वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो टू लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आप इसमें ऐड करिए सरचार्ज अगर लगता है तो इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज, सरचार्ज भैया पे तो नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है अगर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा होती तो ही सरचार्ज लगता बट यहां ज्यादा नहीं आएगा नील तो आपका टू लैख तो फाइव हंड्रेड कंटिन्यू होगा अब आप इसमें ऐड करेंगे एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो इसका फोर परसेंट आया ग्यारह हजार दो सौ बीस तो आपका टोटल हो गया दैट इज ने टैक्स पेबल ये जो गरीब आदमी है इसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा टू लैख नाइनटी वन थाउजेंड सेवन ट्वेंटी और यहां राउंड ऑप करने की जरूरत है नहीं क्योंकि राउंडेड ऑपर इनस्ट ऑफिस ऑफ टेन राउंडेड ऑपी है इन द नियरेस्ट रूपीज ऑफ टेन तो नियरेस्ट रूपीज ऑफ टेन में राउंडेड ऑपी है तो राउंडेड ऑफ़ करने की जरूरत नहीं है चलिए प्रिंसी क्या बोल रही हो तुम बेटा मुझे समझ नहीं रहा है चलिए टू लैख नाइनटी वन थाउजेंड सेवन ट्वेंटी दिस इज द एग्जाम्पल नंबर वन लिखिए एग्जाम्पल नंबर टू ओ ऐसा नहीं है बेटा यहां पे जो है मनन बोल रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते क्या सीधा पंद्रह लाख साठ हजार पे तीस परसेंट ना ना बाबू ऐसा कैसे होगा इन्होंने ऐसा बोला है ना ढाई लाख तक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा मैं आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना है स्लैब रेट से टैक्स निकालने का मतलब होता है कि ढाई लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा ढाई लाख से पांच लाख पांच परसेंट पांच लाख से दस लाख बीस परसेंट दस लाख से ऊपर वाले पे तीस परसेंट तो दस लाख रुपए तक स्लैब रेट है दस लाख के ऊपर वाला जितना इनकम होगा उस पर तीस परसेंट एक और चीज समझना कोई बोल रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा हमेशा लगेगा yes, हमेशा लगेगा आंसर अगर टैक्स आता है तो उस टैक्स पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज आपको ऐड करना है सरचार्ज लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको हमेशा ऐड करना पड़े गा करके ठीक है यहां फ्लैट रेट नहीं है ना यहां तो स्लैब रेट है ठीक है फ्लैट रेट होता है कंपनी के केस में पार्टनरशिप फर्म के केस में जो अपन पढ़ेंगे यहां स्लैब रेट्स का बेनिफिट आपको मिलेगा ठीक है चलिए अब आप लिखिए दूसरा एग्जांपल एग्जांपल नंबर टू लिखिए एग्जाम्पल नंबर टू लिखिए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी एज सिक्सटी टू ईयर्स मिस्टर हरी एज सिक्सटी टू ईयर्स इज रुप सिक्सटी फोर लैख ही इज रेजिडेंट इज रेजिडेंट ही इज रेजिडेंट इन प्रीवियस इल्कुलट लाइबिलिटी टेक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करिए स्लैब मतलब स्लैब मतलब स्लैब वाइज ना स्लैब बोलते हैं ना इतने से इतना इसके ऊपर इतना इसके ऊपर इतना, इतना, इतना ऐसे दैट इज कॉल स्लैब हा

आंसर बताइए जो सही आंसर करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा जो सही आंसर करेगा उसको चॉकलेट टोटल इनकम ऑफ हरी जिसका 62 64 ,00 है है का इनकम इज़ रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है बस इतनी टोटल इनकम है स्लैब रेट से टैक्स निकालना है सबसे पहला आंसर आया ट्वेंटी फोर सिक्सटी फोर एट हंड्रेड बट आया पता नहीं ट्वेंटी लास्ट आंसर आ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी एड करके लास्ट आंसर दूसरा आंसर आया 1981, 980. 1981, 980 दूसरा आंसर आया तीसरा आंसर 1979, 120. नाइनटीन सेवेंटी चौथा आंसर आया 1788 एटी चौथा आंसर आया 1788 पांचवा आंसर आया एटीन जीरो वन हंड्रेड छठा आंसर आया नाइनटीन फोर्टी फोर एट हंड्रेड सातवा आंसर आया नाइनटीन सेवेंटी नाइन भाई साहब इतने आंसर आ गए बाबू ट्वेंटी थर्टीन फोर फोर्टी इतने सारे आंसर आ गए अब मैं बाकी नहीं लिखूंगा बाकी नहीं लिखूंगा और लिखूंगा तो कम से कम पचास आंसर हो जाएंगे तुम्हारे और मैं आंसर नहीं लिखूंगा चेक करेंगे किसका आंसर सही है चेक करेंगे किसका आंसर सही है कैलकुलेट किसने टैक्स लाइबिलिटी सही से कैलकुलेट किया है किसने टैक्स लाइबिलिटी सही से कैलकुलेट किया है तो चलिए अपन चालू करते हैं यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ टेक्स लाइबिलिटी चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है विल चेक इट ओके तो देखिए इसमें आपका सीनियर सिटीजन है ये बंदा आंसर इज यस क्योंकि 62 इयर्स का एज है और रेजिडेंट है रेजिडेंट इंडिविजुअल 62 60 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर तो उस केस में वो 62 इयर्स का है तो सीनियर सिटीजन है बेसिक एक्सामेशन थ्री लैख का मिलेगा थ्री लैख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहा नहीं लगेगा तो चलिए हम एक काम करते हैं देखते हैं तो यहां पे आपका इनकम जो अप टू थ्री लैख रुपीज रहेगा इस थ्री लैख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा डैश पे डैश उसके बाद मोर देन थ्री लैख से लेके और आपका अप टू फाइव लैख तक का जो इनकम रहेगा उस पर आपका फाइव की रेट से टैक्स लगेगा तो देखिए फाइव लैख और थ्री लैख का डिफरेंस कितना है फाइव लैख माइनस थ्री लाख इट्स कम्स टू द दू लैख का फाइव परसेंट कम्स टू दस हजार तो ये तुम्हारा आ गया दस हजार उसके बाद जो तुम्हारा फाइव लैख लेक से लेके और अप टू टेन लैख तक का जो इनकम रहेगा उस उसपे कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स तो आप एक काम करिए पांच लाख का ट्वेंटी परसेंट इट्स कम्स टू पांच लाख का ट्वेंटी परसेंट कम्स टू आपका वन लाख रुपेज उसके बाद जो दस लाख से ऊपर वाला इनकम रहेगा और कहां तक सीधा ले लीजिए दस लाख से सिक्सटी फोर उस पे आपका थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा तो उस पर आपका थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा तो सिक्सटी फोर लैख माइनस टेन लैख कर दीजिए इट्स कम्स टू द फिफ्टी फोर लैख का थर्टी परसेंट यह आपका आ गया सोलह लाख बीस हजार अब आप इसको टोटल करिए पहले एक बार तो इसको अगर आपने टोटल किया तो इट्स कम्स टू द सत्रह लाख तीस हजार आया सेवनटीन लैख थर्टी थाउजेंड सरचार्ज लगेगा या नहीं आंसर इज यस लगेगा सरचार्ज लगेगा यहां पे और सरचार्ज कितना लगेगा तो सरचार्ज है वो आपका टेन परसेंट की रेट से लगेगा क्योंकि आपकी इनकम है वो इनकम ज्यादा है किससे फिफ्टी लैख से, से ज्यादा और हमने यहां पे देखा था कि अगर आपकी इनकम है वो फिफ्टी लैख से ज्यादा होती है अप टू वन करोड़ होती है तो आपको सरचार्ज टेन लेना है तो 10% की रेट से अगर आप यहाँ सरचार्ज को ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगर आप 10% की रेट से यहां पे सरचार्ज ऐड करेंगे तो मैं इस टैक्स में ऐड करूंगा ऐड सरचार्ज एट द रेट टेन परसेंट वन सेवेंटी थ्री आ जाएगा और जैसे ही मैंने सरचार्ज ऐड किया तो सरचार्ज ऐड करने के बाद मेरे पास आ गया नाइनटीन लैख थ्री थाउजेंड इसमें फिर आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो इसका फोर परसेंट आया सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एंड वन ट्वेंटी तो बेटा अब आपका नेट टैक्स पेबल कितना आया सो नेट टैक्स पेबल है वो आपका आ जाएगा नाइनटीन सेवेंटी नाइन वन ट्वेंटी So, यहां पे ये तीसरा आंसर है दिस इज द राइट आंसर बाकी जितने भी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल ही गलत आंसर है बाकी जितने भी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल ही गलत आंसर है ये 1944 800 खजूर कैसे आएगा 1979 120 आएगा ना hmm. चलो जिस जिसका सही है बहुत बहुत बधाई हो दे ऑल आर जीनियस बाकी जिन, जिन का गलत है ऑल आर इडियट्स करके ठीक है प्यारे वाले इडियट्स चलो कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन का आंसर सही करने की ट्राई करना कोशिश करना कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप सही करो थोड़ा ट्राई करना ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और देखते हैं अभी आपका सही होता है यानी चलो तो अगला क्वेश्चन जिसका सही हुआ ना उसको चॉकलेट पक्का वाला उसको पक्का वाला चॉकलेट अगला वाला क्वेश्चन हाँ सबका पुनित मुझे आपका चैट दिख रहा है प्रीत चलिए अगले वाला चॉकलेट कैसे मिलेगा मैं चेक करूंगा किसका आंसर सही था उसको चॉकलेट मिलेगा ठीक है चलिए कॉपी करिए फटाफट जिन लोगों ने नहीं किया कॉपी करिए फटाफट जिन लोगों ने नहीं किया राहुल यस यू आर विजिबल तुम ऐसे नहाए नहीं हो यही बुरा बुरी बात है बाकी तो तुम विजिबल हो एकदम एकदम प्यारे से बच्चे हो तुम विजिबल हो बस नहाए नहीं हो एक ही चीज है चलिए बुक के साथ दीजिए चॉकलेट पुनित नहीं ना बेटा नहीं ऐसा नहीं है चलिए तो हम एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्राई करेंगे आप लोग और जिसका आंसर सही आएगा उसको चॉकलेट लिखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड मिस्टर सेम एज एटी थ्री ईयर्स इज अ नॉन रेजिडेंट ध्यान देना अच्छे से मिस्टर सेम एज थर्टी एटी थ्री ईयर्स एज अ नॉन रेजिडेंट विंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड कैल्कुलेट टैक्स लाइबिलिटी फोर असेसमेंट ईयर तेबिस चौबीस प्रीवियस ईयर बाईस तेईस मिस्टर सैम एज 83 इयर्स ईयर्स का है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है उसकी टोटल इनकम वन करोड़ ट्वेंटी लाख थर्टी थाउजेंड है सरचार्ज आएगा भैया और सरचार्ज आएगा पंद्रह परसेंट एक बात समझना सरचार्ज में कोई स्लैब रेट नहीं है ये ध्यान रखना सरचार्ज में कोई स्लैब रेट नहीं है सरचार्ज जो मैंने आपको बताया ना इसमें स्लैब रेट नहीं है इसमें कैसा है फिफ्टी ज्यादा इनकम है अप टू वन करोड़ है तो आप दस परसेंट सरचार्ज एड कर दीजिए सीधा वन करोड़ से टू करोड़ के बीच में पंद्रह परसेंट एड कर दीजिए टैक्स पे सीधा और टू करोड़ से फाइव करोड़ के बीच में पच्चीस परसेंट एड कर दीजिए और पांच करोड़ से ज्यादा सीधा थर्टी सेवन परसेंट एड कर दीजिए तो चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन में भाई साहब लोगों ने आंसर भी निकाल दिया इतना जल्दी अरे बाबू क्या मस्त लोग है यार इन्होंने आंसर ही निकाल दिया मैंने तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं किया अभी तक वाओ इट्स अमेजिंग चलिए फटाफट करके बताइए अरे तो बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए यार। नॉन रेजिडेंट यस ही इज नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है तो भी सरचार्ज तो लगेगा चलिए करके बताइए फटाफट करके बताइए करके बताइए करके भाई साहब क्या फास्ट लोग है यार इन्होंने आंसर निकाल दिया ओ, ओ, अबे अबे अनुजा धार्मिक खुशी वाओ यो फैंटेस्टिक पीपल यार मेरा तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ था आपने आंसर ही निकाल दिया क्या जोरदार लोग हो यार तुम लव यू ऑल गजब यार गजब चलिए हाँ ये नॉन रेजिडेंट है इंडिया का रेजिडेंट नहीं है नॉन रेजिडेंट बट इंडिया से इनकम हुई होगी इसको 83 इयर्स की एज है एज 83 इयर्स की है 83 इयर्स की एज है इतने सारे आंसर और मैं बताऊं बहुत सारे राइट आंसर है यार वाओ दीक्षा यस योर आंसर इज राइट

कितना राइट हो क्या हो अभी पता चलेगा ये बंदा सीनियर सिटीजन माना जाएगा नहीं माना जाएगा ये बंदा सीनियर सिटीजन नहीं है ना ही ये सुपर सीनियर सिटीजन क्योंकि एक बात बताओ ऐसे तो सुपर सीनियर सिटीजन होना चाहिए बट ये बंदा रेजिडेंट नहीं है ना तो रेजिडेंट नहीं है तो यहां पे बेटा पांच लाख का या ये तीन लाख वाला बेसिक एग्जामेशन तो नहीं मिलेगा यहां सिर्फ ढाई लाख का बेसिक एग्जामेशन है वो ही आपको यूज करना पड़ेगा तो यहां पे लाख का का बेसिक बेनिफिट मिलेगा तो चलिए अपन एक काम करते हैं यहां पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड पे तो चलिए अपन वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की जो इनकम है उस पर आप ले लीजिए डैश पे डैश उसके बाद मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की जो इनकम है अप टू फाइव लैख तक की इनकम पे पांच परसेंट बारह हजार पांच सौ फाइव लैख से लेके टू टेन लैख तक का जो इनकम है उस पर आपका ट्वेंटी परसेंट दैट कम्स टू योर वन लाख रुपेज और बाबू टेन लैख से जितना भी ज्यादा इनकम है अप टू आपका वन करोड़ ट्वेंटी लैख एंड थर्टी थाउजेंड की जो इनकम है उस पर आपका थर्टी परसेंट तो आपका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय थर्टी परसेंट इट्स कम्स टू द थर्टी थ्री लैख नाइन थाउजेंड टोटल कर दीजिए टोटल आया थर्टी फोर लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एक बात बताइए यहां पे सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस बिकॉज इनकम पचास लाख से तो ज्यादा है पचास लाख से एक करोड़ होती तो दस परसेंट एक करोड़ से दो करोड़ है तो पंद्रह परसेंट तो पंद्रह परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा तो इसमें ऐड करेंगे हम क्या ऐड करेंगे सरचार्ज सो so, ऐड सरचार्ज एट द रेट पंद्रह परसेंट तो इसका पंद्रह परसेंट आ गया पांच लाख तेरह हजार दो सौ पच्चीस इसको ऐड कर दिया आपने तो बेटा आपका हो गया थर्टी नाइन लाख थर्टी फोर थाउजेंड एंड सेवन ट्वेंटी फाइव इसमें फिर आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो फोर परसेंट कम्स टू फिफ्टीन सेवेंटी थ्री एटी नाइन तो बेटा आपका नेट टैक्स पेबल आया फोर्टी लैख नाइन्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टीन जिसको आप राउंडेड ऑफ करेंगे दैट इज फोर्टी लैख नाइन्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन दिस इज योर राइट आंसर फोर्टी लैख नाइंटी टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड एंड टेन इज योर राइट आंसर विपिन विपिन हमारा बच्चा विपिन बोल रहा है मेरा मैसेज लो तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई कर दिया विपिन तो जिस जिसका सही है सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं डोंट वरी सबकी मित्तल मोहक सबकी चैट मुझे शो हो रही है सबका आंसर करेक्ट है चलिए सबका आंसर करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है चॉकलेट अरे हाँ यार चॉकलेट सबसे पहला आंसर किया होगा उसको चॉकलेट मिलेगा हंड्रेड एंड वन परसेंट मैं आज ग्रुप में डालूंगा मैसेज का सबसे पहला आंसर किसका आया था ठीक है तो जिसका सबसे पहला आंसर आया था उसको मैं चॉकलेट दूंगा दैट इज श्योर आई विल गिव यू चॉकलेट तो चॉकलेट सबको नहीं देनी है यहां पे 200 बच्चों ने सही आंसर किया 300 बच्चों ने सही आंसर किया मान लो 500 बच्चों ने सही आंसर किया आप बोलोगे सबको चॉकलेट दे दो तो मैं तो भैया लूट जाऊंगा बेसिक एग्जामेशन है मेरी ठीक है मनोज मनोज आपकी चैट दिख रही है जोमेटो कर दो जोमेटो कर दो चलो चलो सब सब का आंसर सही है अब एक बात समझना मेरे पास 20 मिनट का टाइम है इस 20 मिनट में मैं आपको एक मस्त वाला कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए इधर होना चाहिए आप बुक छोड़ दीजिए हाथ में कोई भी बुक नहीं पेन पेंसिल आप नीचे रख लीजिए कुछ भी नहीं देखना आपको आप रख दीजिए अपने हाथ से सौ पचास वाली सिल्क भेजो अच्छा सिल्क मैं क्यों भेजू सिल्क वो भेजेंगे हाँ मैं सिल्क भेजू इनको चलो मैं भेज देता हूं सिल्क तुमको ठीक है चलिए इधर देखिए अब एक बात समझना एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले अपन और उस कॉन्सेप्ट का नाम है दैट इज मार्जिनल रिलीफ अब आप बोलेंगे ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है एक मिनट दीजिए मुझे आपका डिस्प्ले बंद हो गया एक मिनट दो मुझे मार्जिनल रिलीफ ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है ये आपको पता है आप छोटे थे तो आपने स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था या नहीं पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा और मार्जिनल यूटिलिटी में आपकी मिस ने या आपके सर ने एक एग्जांपल दिया होगा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप अगर एक एप्पल खाते हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके बाद एक और एडिशनल एप्पल खाते हो तो आपके साथ में क्या होता है तो दैट इज कॉल योर मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा था अपने इकोनॉमिक्स में ऐसे का ऐसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग अगर आपका हुआ होगा तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा अच्छा हा मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपने पढ़ा होगा करके ठीक है मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, कि एक बनाते है तो कितना आप सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा उससे आप समझ जाओगे लेकिन यहां पे समझना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इधर देखना एक एग्जाम्पल लेता हूं उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं एक बात बताओ एक बात बताओ एक बात बताओ एक बात बताओ इधर देखो इधर देखो कहीं बुक में नहीं देखना है कुछ भी नहीं लिखना आपका है आपका सिर्फ ध्यान इधर होना चाहिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी एज 32 इयर्स, मिस्टर बीबी एज 32 इयर्स, और यह बंदा जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है एज 32 इयर्स रेजिडेंट इंडिविजुअल अब एक बात समझता कुछ भी नहीं लिखोगे आप सबकी चैट मुझे दिख रही है पलाश इधर देखिए आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे आप इधर देखेंगे मिस्टर बीबी एक बंदा है जिसकी एज थर्टी टू ईयर्स है रेजिडेंट इंडिविजुअल है और मान लो मेरा जो टोटल इनकम है ना वो टोटल इनकम है फिफ्टी लैख ट्वेंटी थाउजेंड

अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कोई भी टैक्स नहीं डैश पे डैश मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके अप टू फाइव लैख तक फाइव परसेंट कितना आएगा बारह हजार पांच सौ उसके बाद में बाबू फाइव लैख से ज्यादा और अप टू टेन लेख तक की इनकम पे ट्वेंटी परसेंट एक लाख आएगा और एक बात बताओ दस लाख रुपए से लेके और अप टू फिफ्टी लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर थर्टी परसेंट और थर्टी परसेंट कितना आएगा फिफ्टी लाख ट्वेंटी थाउजेंड पे थर्टी परसेंट बारह लाख छ हजार बारह लाख छह हजार आ गया अब एक बात समझिए इसकी टोटल कितनी आएगी इट्स टू 13 लाख अठारह एक चीज बताओ तेरह लाख अठारह हजार पांच सौ आया मुझे एक बात बताओ यहां सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा सिर्फ इतना मुझे आंसर करिए सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा सरचार्ज एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा मुझे ये बताइए आप लोग बताइए सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा मेरा इनकम कितना है फिफ्टी लैख ट्वेंटी थाउजेंड सो माय टोटल इनकम इज फिफ्टी लैख ट्वेंटी थाउजेंड आप ही बताइए सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा राइट आंसर इज यस लगेगा ना सरचार्ज क्यों नहीं लगेगा बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपकी टोटल इनकम है वो फिफ्टी लैख से ज्यादा है अप टू वन करोड़ है तो आपको सरचार्ज दस तो लगेगा तो यहां पर टेन की रेट से सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस टेन की रेट से सरचार्ज लगेगा अब एक बात समझिए यहां पे आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा दैट इज एड सरचार्ज एट द रेट टेन परसेंट वन थर्टी वन एट फाइव जीरो इतना सरचार्ज आया तो सरचार्ज ऐड करने के बाद इसमें अगर आप 10% परसेंट सरचार्ज ऐड करते हैं तो आपके पास में टैक्स कितना आता है 14 लाख 50, 350 का टैक्स आया इतना आपको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा उसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस बाकी अभी, अभी जाओ, अभी रुक रुक जाओ, अभी जाओ, दिमाग खराब हो गया मेरा ये टैक्स लगा तब ऑब्वियसली मेरा जब टैक्स लगा तो मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार यहां पे टैक्स लग रहा है करके ठीक है यहां टैक्स लग रहा है और टैक्स के साथ साथ मेरा सरचार्ज भी लग रहा है मेरी इनकम पचास लाख बीस हजार थी तो पचास लाख बीस हजार पे आपने जो है वो सरचार्ज वगैरह ऐड करके और टैक्स निकाल दिया थाउजेंड थ्री फिफ्टी मैंने क्या किया पता है मैंने ना पहले निर्मला सीतारमन जी के पास में गया और मैं निर्मला सीतारमन जी को बोलता हूं कि मैडम देखो मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो बोलती है क्या गलत हो रहा है बता क्या गलत हो रहा है मैंने बोला मैडम एक बात बताओ मेरा अगर इनकम पचास लाख बीस हजार ना होता मेरा इनकम सिर्फ फिफ्टी लैख ही होता तो आप बताइए मेरे को टैक्स कितना लगता तो मेरा इनकम अगर फिफ्टी लैख होता तो मैं बताऊं फिफ्टी लैख होता तो अप टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे तो कोई टैक्स नहीं लगता भैया मोर देन टू लेख फिफ्टी थाउजेंड जो है और वहां से लेके और अप टू फाइव लैख तक की इनकम पे कितना टैक्स बारह हजार पांच सौ आ जाता भाई मेरा फाइव लैख लेक से लेके और बेटा जो टेन लैख तक की इनकम है उस पर कितना टैक्स लगता ट्वेंटी परसेंट लगता चलिए वन लैख आ जाता और बेटा टेन लैख लेक से लेके और मेरा अगर 50 लाख तक का इनकम है उस पे मेरा कितना टैक्स लगता 30% परसेंट लगता कितना आता 12 लाख आ जाता तो मुझे बताइए मेरा टोटल टैक्स आता 13 लाख 12000 एंड 500 13 लाख 12000 500 आता सरचार्ज लगता या नहीं लगता मैं बताऊं सरचार्ज लगता ही नहीं सरचार्ज लगता ही नहीं मींस मेरे को टैक्स भरना पड़ता 13 लाख 12000 500 थर्टीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड मुझे इतना टैक्स भरना पड़ता अगर मेरी इनकम पचास लाख होती तो मैं निर्मला सीतारमन जी को बोलता हूं मोदी जी को बोलता हूं कि सर देखो मेरे साथ गलत हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है मैं पचास लाख मेरी इनकम होती तो मुझे टैक्स कितना आता थर्टीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आता मैंने गलती कर दी मेरे कर्म फूटे थे जो मैंने यहां ज्यादा इनकम कमा ली पचास लाख बीस हजार कमा ली मैंने यहां पे 20,000 ज्यादा इनकम कमा ली और उसकी वजह से मेरा टैक्स बढ़ के हो गया फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री फिफ्टी यह तो गलत हो रहा है ना मेरे साथ ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है ना आप सोचिए आपकी इनकम अगर 50 लाख है तो उस केस में आपका टैक्स आ रहा है सिर्फ थर्टीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड कोई सरचार्ज वगैरह नहीं लेकिन अगर आपकी इनकम यहां फिफ्टी लाख ट्वेंटी थाउजेंड हो गई

मेरा थर्टीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही टैक्स आता कोई सर चार्ज नहीं था लेकिन मैडम मैंने ना बीस हजार ज्यादा कमा लिया गलती हो गई मेरे से आप ही ले लो आप रख लो मेरे को नहीं चाहिए आप ही ले लो मेरे को नहीं चाहिए बीस आप रख लो ना मेरे को नहीं चाहिए कह गई बीस हजार मेरे को नहीं चाहिए बीस हजार आप ही रख लो पूरा ले लो बीस हजार पूरा बीस हजार आप ही ले लो करके ठीक है तो भी कितना होता है थर्टीन लाख और थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड होता है आप ही ले लो मेरे को बीस हजार चाहिए ही नहीं आप ही ले लो करके ठीक है थर्टीन लाख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड होता है आप यहां पे मेरे से पर ले रहे हो ये तो गलत है ना आप मेरे से फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड थ्री फिफ्टी टैक्स मांग रहे हो ये तो गलत है ना ये तो गलत है ना करके ठीक है क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है मैं, मैं मैंने गलती कर दी कि मैंने बीस ज्यादा कमा लिया नहीं चाहिए मुझे बीस हजार ले लो मुझे नहीं चाहिए बीस मैं अगर 50 लाख कमाता तो मेरा टैक्स कितना आता इतना ही आता ये बीस हजार ज्यादा कमा लिया नहीं चाहिए आप ले लो मुझे नहीं चाहिए करके ठीक है तो भी मेरा थर्टीन लाख थर्टी लेना चाहिए आप यहां पर फोर्टीन लाख फिफ्टी ले रहे हो ये तो गलत है ना निर्मला सीतारामन जी ने बोला टेंशन ना लो रुको 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 थाम्बा थोड़ा थाम्बा करके ठीक है थाम्बा यहां हो क्या रहा है आप समझिए आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर बीस हजार है तो आपकी जो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम जो है वो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है बीस हजार का पचास लाख के ऊपर और उसकी वजह से आपके टैक्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पता है आपके टैक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है अगर पचास लाख इनकम होती तो आपका टैक्स था थर्टीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और बेटा जैसे ही पचास लाख बीस हजार हुई आपका टैक्स आया फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री फिफ्टी फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड थ्री फिफ्टी माइनस थर्टीन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मैं बताऊं वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी है वो टैक्स आपका बढ़ गया मीन्स इनकम है वो जो है वो बीस हजार का इंक्रीमेंट हुआ बट उसकी वजह से आपका जो टैक्स बढ़ गया ना वो आपका वन थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ना 137, 850, sorry, 137, तो 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 का आपका टैक्स बढ़ गया तो तो इनकम जो है वो आप एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए हेल्थ एंड लास्ट में जोड़ते हैं ये जो है यहां इनकम में बीस हजार का इंक्रीमेंट हुआ उसकी वजह से टैक्स बढ़ गया वो वन थर्टी सेवन एट फिफ्टी बढ़ गया क्योंकि ड्यू टू सरचार्ज सरचार्ज की वजह से ऐसा हुआ लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन ना लो हम एक काम करेंगे आपसे ये बीस हजार हम ले लेंगे करके ठीक है बीस हजार हम ले लेंगे और आपको हम क्या करेंगे कि जो भी तुम्हारा इसका जो डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस है आपका एक लाख और सत्रह हजार आई थिंक एक लाख सत्रह हजार आठ सौ पचास इतने का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे, दे देंगे हम इतने का आपको मार्जिनल रिलीफ दे, दे देंगे मीन इतना टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे हम क्या करेंगे आपको वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड और आपका एट फिफ्टी का क्या करेंगे हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे हम इतना टैक्स आपसे नहीं लेंगे तो यहां कैसे मार्जिनल रिलीफ में लेस करूंगा या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपका जो फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री फिफ्टी आया इसमें से मैं लेस कर दूंगा मार्जिनल रिलीफ और मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट आया वन लैख सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी और लोअर करके जो मेरे पास आएगा दैट इज द आपका 13 ,00 ,00, और आपकाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा इतना मेरे को टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना मैं इसका एक मस्त वाला आपको शॉर्टकट बताता हूं आपको क्या करना इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए सब लोग इधर देखिए सर इतना सारा हम कैसे चेक करेंगे कि इनकम कितना बड़ा टैक्स कितना बड़ा और फिर डिफरेंस वाला मार्जिन रिलीफ ले लेंगे ऐसा कैसे हम चेक करेंगे आपको एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं देखिए जब भी आपकी इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है पचास लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा का मतलब दो लाख तीन लाख चार लाख तब आपको चेक करना है अगर मान लो सीधा फिफ्टी सिक्स लैक है फिफ्टी सेवन लैक है फिफ्टी एट लैक है तो चेक करने की जरूरत नहीं है अब एक बात समझना अगर इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है एक स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको सबसे पहले आप टैक्स निकाल दीजिए सरचार्ज ऐड कर दीजिए सरचार्ज ऐड करने के बाद यहां पे आपको जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखना है अभी नहीं लिखना है आपको मैं मैं लिख रहा हूं इधर देखो आप यहां पर लिखेंगे कि ये जो अमाउंट है ना ये वाला अमाउंट ये वाला अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू रेस्ट्रिक्टेड टू रहेगा रेस्ट्रिक्टेड टू में इससे ज्यादा नहीं हो सकता किससे ज्यादा नहीं हो सकता किससे ज्यादा नहीं हो सकता आप ले लीजिए टैक्स ऑन फिफ्टी लैख रुपीज 50 लैक्स की इनकम पे कितना टैक्स आता है वो ले लीजिए और प्लस कर दीजिए जितना आपका नेट टैक्सेबल इनकम है माइनस 50 लैक्स मीन 50 लैक्स से ऊपर वाला इनकम सीधा निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए तो देखिए अगर 50 लाख ,00 इनकम होती तो हमारा टैक्स कितना आता अभी यहां निकाला था तो 50 लाख ,00 इनकम होती तो हमारा टैक्स आता 13 लाख ,00 ट्वेल्व तो यहां पे टैक्स ऑन 50 लाख इज अ 13 लाख ,00 ट्वेल्व अब आप एक काम करिए आपका एनटीआई माइनस पचास लाख मीनस पचास लाख के ऊपर वाला पूरा इनकम ही निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए तो 50 लाख के ऊपर कितना इनकम है बीस हजार तो बीस हजार का इनकम अगर आप निर्मला सीतारमन जी को दे देते हैं तो यहां पे आपका आएगा 13 लाख गाइस मैंने आपको क्या बोला कि ये जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो आपको क्या करना है बड़ा सिंपल है कि आप बिच एवर इज लोअर वाला कंटिन्यू कर दीजिए आप क्या करेंगे इन दोनों अमाउंट में से जो विच एवर इज लोअर वाला रहेगा वो आप कंटिन्यू करेंगे तो विच एवर इज लोअर मेरा थर्टीन लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी कितने की तो देखिए फोर्टीन लैक फिफ्टी थाउजेंड माइनस थर्टीन लैख थर्टी इट्स कम्स टू द लैख सेवेंटीन थाउजेंड का आप देखिए यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया और अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे इसमें आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% की रेट से और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को आप ऐड करेंगे 4% की रेट से तो थर्टीन का फोर आया 53,300 एंड थ्री तो इसको अगर आप ऐड करेंगे इट्स टू थर्टीन लैख एटी फाइव थाउजेंड एंड एट टैक्स है ये आपका आएगा पेबल। पेबल। आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल समझेंगे समझेंगे रुकिए थोड़ी देर अभी तो चालू किया है रुकिए, रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, रुकिए रुकिए, रुकिए विशा, विशाल रुकिए देखिए देखिए आपकी इनकम जब भी लिटिल बिट मोर देन लिटिल बिट मोर देन पचास लाख है मिस जैसे पचास लाख के ऊपर पता नहीं कुछ चालू हुआ आजू बाजू में मेरे को आवाज नहीं आ रही है कोई मशीन चालू हुई है तो अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन पचास लाख है लिटिल बिट मोर देन पचास लाख का मतलब होता है करके ठीक है जिसमें आपका पचास लाख पचास हजार है एक लाख है दो लाख है मीनस पचास लाख की जगह इक्यावन लाख बावन लाख त्रिपन लाख है तब आपको चेक करना है आपको क्या करना कि जो भी इनकम आती है उस इनकम पे आप टैक्स निकाल दीजिए जो भी इनकम आती है उस इनकम पे आप क्या करिए टैक्स निकाल दीजिए

हाँ, इसमें बीस हजार पूरा गवर्नमेंट को देंगे इसमें जो बीस हजार है वो पूरा ही गवर्नमेंट को दे देंगे अगर मान लो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 61 लाख होती तो क्या होता अगर 61 लाख होती तो क्या होता तो देखिए बेटा अगर 61 लाख है तो इस पे आप टैक्स निकालिए कैसे निकालेंगे टैक्स

और अप टू टेन लैख तक ट्वेंटी परसेंट कितना आया एक लाख आया अब एक बात बताइए टेन लैख लेक से लेके और अप अपू सिक्सटी वन लैख कितना आया थर्टी परसेंट आया तो आपका फिफ्टी वन लैख का थर्टी परसेंट इट्स कम्स टू द पंद्रह लाख तीस हजार आया पंद्रह लाख तीस हजार आया अब एक बात बताइए इसको टोटल करिए एक लाख बारह हजार पांच सौ इट्स टू दिक्कत लाख फोर्टी टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन लाख फोर्टी टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड आपका टैक्स आ गया अब एक चीज समझना सिक्सटीन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया चलिए अब अपन ये चेक करते हैं कि अगर हमारी इनकम पचास लाख की होती तो क्या होता एक बात बताओ अगर आपकी इनकम पचास लाख की होती मैं बोलता हूं मेरी इनकम सर पचास लाख की होती तो क्या होता अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख होती तो मुझे बताइए आप पे टैक्स कितना आता तो पचास लाखी लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टीन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एक बात बताइए आपने ज्यादा इनकम कितनी कमाई है ग्यारह लाख ज्यादा है पचास लाख के ऊपर ज्यादा लाख ग्यारह लाख है वो ग्यारह लाख आपकी ज्यादा है ग्यारह लाख गवर्नमेंट को दे दो तो निर्मला सीतारमन जी को अगर आप 11 लाख दे देते हैं तो तो निर्मला सीतारमन जी कितना ले पसंद करेंगे या सिक्सटीन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे करना पसंद करेंगे ऑब्वियसली आप सिक्सटीन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ये आप पे करना पसंद करेंगे यहां तो आपका टैक्स कम है इनकम ज्यादा बड़ी है इनकम ज्यादा है टैक्स कम है तो यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा यहां मार्जिनल रिलीफ है वो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा अब आपको अपना फॉर्मेट फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं बड़ा सिंपल सा अगर आपने ये चेक भी कर लिया यहां पर आपको क्या करना है देखो अगर 61 वन का इनकम है आपने पहले टैक्स निकाल दिया अब आप टैक्स निकालने के बाद आप एक बात बताइए इसमें आप ऐड करिए सॉरी पहले इसमें सरचार्ज मेरा ऐड करना रह गया था ऐड करिए पहले सरचार्ज तो सरचार्ज ऐड करिए 10 परसेंट की रेट से तो इसका टेन परसेंट सरचार्ज आया वन लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड एंड टू फिफ्टी तो आपका टोटल हो गया एटीन लैख जीरो सिक्स एटीन लैख जीरो सिक्स सेवन फिफ्टी अब एक बात बताओ अभी भी आपका ये पे करना ज्यादा पसंद करोगे एज कंपेयर टू दैट चौबीस लाख बारह हजार पांच सौ तो उससे ज्यादा तो ये बेनिफिशियल है ना तो इसमें अब आप मार्जिन रिलीफ कैसे चेक करना है आप अगर अपना फॉर्मेट फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं आपको क्या करना है पहले आपने टैक्स निकाल दिया उसमें सरचार्ज एड कर दिया अब आप इसमें एक काम करिए यहां पर आप लिखेंगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे कि टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज मीन फिफ्टी लैख रुपीज जो है वो 50 लाख होता तो टैक्स कितना था? प्लस एक काम करिए माइनस फिफ्टी लैख है वो डिफरेंस पूरा निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए तो फिफ्टी लैख पे आपका टैक्स आता थर्टीन लैख ट्वेल्व और प्लस एक काम करिए ऊपर वाला 11 लाख है वो निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए तो यहां पे तो आपका आता है 24 लाख बारह हजार पांच सौ ये तो बहुत ज्यादा आ गया करके ठीक है तो एक बात बताइए आप विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करिए तो इज लोअर कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आई यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ है वो मार्जिनल रिलीफ नहीं आई तो यहां पे आपका एटीन लैख सिक्स थाउजेंड एंड सेवन कंटिन्यू करेंगे करेंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप एड कर देंगे तो सेवनटी टू थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड टू सेवन का आपका आ गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसको करने के बाद आपका बना एटीन लाख और आपका एटीन लैक सेवेंटी जीरो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा तो कुल मिला के मैं एक बात बोलू आपको कुल मिला के आपको क्या करना है मैं इसको कल और डिटेल में आगे करेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने मार्जिन रिलीफ का जस्ट आपको एक हिंट दिया एक बात समझना जब भी आपकी इनकम थोड़ी बहुत पचास लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए जैसे इस एग्जांपल में हुआ था इस एग्जाम्पल में इनकम तो बीस हजार ही बढ़ी थी बट उसकी वजह से आपका टैक्स जो बढ़ा था वो वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी है उतना टैक्स बढ़ गया था तो निर्मला सीतारमन जी बोलती है डोंट वरी मैं आपको मार्जिनल रिलीफ दे दूंगी मतलब जितना इनकम बढ़ा है वो इनकम गवर्नमेंट ले लेगी आपका टैक्स जो है जो बहुत ज्यादा बढ़ा है तो जितना ज्यादा टैक्स बढ़ा है उसको हम छोड़ देंगे करके ठीक है यहां पे 1, का मार्जिनल रिलीफ आया था आपको कैसे करना है आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैंने बताया देखो जब भी आपकी इनकम पचास लाख से थोड़ी बहुत ऊपर है एक लाख दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख तो आपको चेक करना है अब आप बोलोगे सर एक फिक्स अमाउंट बता दो ना कि इससे ज्यादा इनकम है तो ही चेक करना है आंसर इज नो मैं नहीं बता सकता क्योंकि नहीं बता सकता मैं बता तो सकता हूं बट मैं आपको नहीं बताऊंगा रीजन इज बीइंग रेजिडेंट के लिए अलग होगा सीनियर सिटीजन के लिए अलग होगा फिर करके ठीक है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अमाउंट अलग होगा फिर दो करोड़ से इनकम ज्यादा होगी तो सरचार्ज चेंज हो जाता है पांच करोड़ से ज्यादा होगी तो सरचार्ज चेंज हो जाता है तो हर जगह सरचार्ज चेंज हो रहा है तो इसके लिए मैं वो अमाउंट आपको नहीं बताऊंगा तो आप एक काम करेंगे आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है जब भी आपको लगता है कि आपका देखो मार्जिनल

टैक्स ऑन फिफ्टी लाख रुपीज मतलब पचास लाख इनकम होती तो कितना टैक्स लगता और ऊपर वाला इनकम गवर्नमेंट को दे दो तो 20,000 उनको दे दिया तो आपका आ गया थर्टीन लैखी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर है उसको आप कर और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर दीजिए यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा वन लाख सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी का आप एक काम करिए एक एग्जाम्पल लिख ही लीजिए जैसा आप हेडिंग दे दीजिए पहले मार्जिनल रिलीफ मार्जिनल रिलीफ आप जहां जहां सरचार्ज लगेगा वहां वहां मार्जिनल रिलीफ लगे मिलेगा करके ठीक है चलो आप एक एग्जाम्पल लिखिए हेडिंग दे दीजिए मार्जिनल रिलीफ और उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी एज थर्टी टू ईयर्स मिस्टर बीबी एज थर्टी टू ईयर्स मिस्टर बीबी एज थर्टी टू ईयर्स रेजिडेंट इंडिविजुअल Resident individual, resident individual having total income of 15 lakh twenty thousand, having total income of fifty lakh lakh twenty thousand, calculate tax liability, calculate tax liability. Mr BB आपने क्या लिखा हैविंग टोटल इनकम ऑफ फिफ्टी लैख ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए जो आपको बोर्ड पे, पे दिख रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए जो बोल रहे आप 32 इयर्स क्यों नहीं 82 years, 80. I have completed 82 इयर्स इयर्स 80 आई हैव कंप्लीटेड जस्ट लास्ट मंथ देखो बियर्ड बियर्ड भी वाइट हो गई हो तो सर इसको कॉपी कर दीजिए जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी करिए और उसके बाद आप घर पे जाइए ठीक है आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे कल अपन रिवाइज करके और फिर कंटिन्यू करेंगे और इसी पार्ट से कल कंटिन्यू करेंगे मार्जिनल रिलीफ से हाँ सेम है सेम उसी को कॉपी करवाया मैंने पहले कॉपी करने को बोला नहीं था तुमने कर लिया था क्या पागल बच्चे हो क्या मैं बोलता हूं तभी कॉपी करना होता है ठीक है तो भी तुमने कॉपी कर लिया ये तो सेम ही है बस इसको कॉपी कर लीजिए बस आप इसको कॉपी करिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आज आपको मिल जाएगा तो क्या करे गवर्नमेंट ले रही है पचास लाख के ऊपर वाला जितना अमाउंट है पूरा गवर्नमेंट ले लेती है क्या करे चलिए जिसका हो गया बाइट टिक के रखना अपना कल कंटिन्यू करेंगे यस यस नमन योर चैट इज विजिबल सर आपको हमारी वॉइस आती है क्या आपकी वॉइस वगैरह सब आती है मुझे सब पता चलता है तुम बिना नहाए बैठे हो बिना ब्रश किए बैठे हो सब मुझे पता चलता है ठीक है तो कल से एकदम तैयार होके नहा के बैठा करो सर ये खुद को असेस करना खुद को करना पड़ता है खुद को करना पड़ता है गवर्नमेंट ने एक रिटर्न फॉर्म दे रखा है उस रिटर्न फॉर्म में आप डेटा डालोगे तो अपने आप कैलकुलेट होगा ये पीडीएफ आपके ड्राइव में ही मिलेगी सर डीटी इज मोर अबाउट थियोरी और प्रैक्टिकल इट इज अक्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल बट मोस्टली प्रैक्टिकल डीटी इज मोस्टली प्रैक्टिकल एज कंपेयर टू आई डी टी आई डी टी इज मोस्टली थियोरी बट या डीटी इज अ प्रैक्टिकल स्पेशल टैक्स रेट वाला पॉइंट रीड कर दीजिए वो जरूरी नहीं है मोह कभी मैंने पढ़ाया ही नहीं वो महक नहीं पढ़ा स्पेशल रेट मेरा चैट दिख रहा है सर यस यस दिख रहा है समशेर समशेर ताशु ताशु अग्रवाला गफ्फार दिख रहा है नितेश डेली छ बजे नहाते वेरी गुड अरे लेकिन ठंड में भाई साहब नहाने में एकदम लंका लग जाती है ना क्या बताए हाँ मार्जिनल रिलीफ इज ओनली वेन सरचार्ज इज चार्ज जब सरचार्ज लग रहा है तभी मार्जिन रिलीफ लगेगा कल इसके आगे हम बात करेंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना बहुत है सिद्धिक चॉकलेट नहीं भूलिएगा यस yes, चॉकलेट जिसका आंसर सही रहेगा उस पहला आंसर सही रहेगा जिसका फर्स्ट आंसर सही है उसको चॉकलेट मिलेगा ठीक है एम विजिबल यस प्रकाश तुम दिख रहे हो तुम पीले कलर का टी शर्ट पहन के बैठे हो मुझे पता है हमको सब दिखता है चलिए आज के लिए इतना बहुत है बाय टिक कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे जितना पढ़ा है उतना आप तो रिवाइज करके आइए चलिए हाँ साधना तुम शेयर कर देना नोट्स ग्रुप में ठीक है चलो बाय टेक केयर